नीति को चुनौती देना पड़ा भारी। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बता हाईकोर्ट ने लगाया 1,00,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना राशि हाईकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाने के आदेश। हरियाणा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित सिर्फ पात्रता परीक्षा में भाग लेने के बाद इसे चुनौती देने वाली याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ताओं पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। जुर्माने की राशि को हाईकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना जमा नहीं कराया गया तो याचिकाकर्ताओं की भूमि से इसकी वसूली की जाएगी। याचिका दाखिल करते हुए आशीष बेरवाल ने एडवोकेट अंकुर सुधार के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए शुल्क पात्रता परीक्षा को चुनौती दी थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का याचिका में आरोप लगाया गया। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट श्रुति गोयल ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती के जिन पहलुओं को चुनौती दी जा रही है उसको लेकर आशीष कुमार बनाम हरियाणा सरकार मामले में हाईकोर्ट स्थिति स्पष्ट कर चुका है। ऐसे में उसी विषय को चुनौती देते हुए यह दूसरी याचिका दाखिल करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने इस पर कहा है कि याचिकाकर्ता को आशीष बनाम हरियाणा सरकार मामले की जानकारी थी, बावजूद इसके यह याचिका दाखिल की गई।